आर्यन रावत है, मैं ये ब्रीड फिल्म कर रहा हूँ। ये फिल्म ट्रांसजेंडर पे आधारित है। ये फिल्म बहुत अच्छा है और हम बॉबी जी को वेरी वेरी थैंक्स कहेंगे कि हमें ये फिल्म मिली है। और इस फिल्म में मैं जावेद खान का करेक्टर कर रहा हूँ और अभी इस फिल्म में मैं एज ए हीरोइन का भाई हूँ और ये हमारी माँ है अम्मी जान मेरी। और इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे इस फिल्म में काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने के मिला। एज ए ये मेरा मुस्लिम करेक्टर है, मैं पहली बार ये फिल्म आपको ये करेक्टर कर रहा हूँ मुस्लिम करेक्टर। इसके पहले मैंने एक मूवी की कुटुम और मुझे इस फिल्म में बहुत एक्सपीरियंस मिला। मैं आगे चल कर सीखता रहूँगा। मैं बॉबी जी को ये वेरी वेरी थैंक्स बोलूँगा कि मुझे इस फिल्म में रोल दिए और मैं इस रोल को अच्छी तरह से निभाऊँगा और मैं इस काम को मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छी तरह से आगे ले जाकर मैं इसको प्रोफेस करूँ। जी आप बताएं। मेरा नाम डॉली है, मैंने पहले भी मूवी की है दो, लेकिन अभी बॉबी जी ने मेरे को रोल दिया माँ का बेटे का, ये मेरा बेटा बना है और हैदर के सास, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी मतलब कि पहली बार बॉबी जी के साथ काम करना, बॉबी जी के साथ काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि मैं इस फीलिंग को बता नहीं सकती कि मुझे पहली बार इनके साथ काम किया है, लेकिन मुझे लाइफ का जो है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जी हमसे बात करने की आप थैंक यू। मैं रोल बोलूँगा तो आपका नाम वगैरह बता दीजिए। जी बताएं इस फिल्म में आप किस तरह का ये कर रही हैं, डायरेक्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, बताइए इस बारे में बताएं। मैं इस पिक्चर में इस फिल्म में डायरेक्शन में हूँ और मतलब ये एक ऐसी मूवी है, एक ऐसा सब्जेक्ट है फिल्म का जिसको समाज में समाज के जो लोग हैं इस टॉपिक को जो है वो सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं इसको। तो मतलब कि इट्स माय प्लेजर कि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर इस पिक्चर में मैं काम कर रही हूँ, ऐसे सब्जेक्ट वाली। और इन इस पिक्चर के माध्यम से मैं इन लोगों से मिली, इनसे जुड़ी और इनको मैंने समझा, तो इनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं और इनके भी कुछ शब्द होते हैं जो कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले भी डायरेक्शन किया है, किसी डायरेक्ट किया है जी, थर्ड जेंडर को डायरेक्ट करना कितना आसान और कितना मुश्किल है? अगर हम इनकी फीलिंग्स को समझें, इनकी बातों को समझें और इनसे मतलब कि इनको समझना मुश्किल नहीं है, अगर हम इनसे बात करते हैं तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप एक ट्रांसजेंडर से बात कर रहे हो, आपको यही लगेगा कि आप किसी अपने से बात कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इनसे मिलके काम करते हो तो ऐसी फीलिंग आती है कि आप किसी अलग व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो। ब्रीड फिल्म जो आप डायरेक्ट कर रही हैं ये बाकी फिल्मों से कितना अलग है? सर इसका सब्जेक्ट ही आप देख लीजिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समाज ने बायकॉट करके रखा हुआ है, जिसको समाज ने अपनाया नहीं है। मेरे को लगता है कि ट्रांसजेंडर एक भगवान की बनाई हुई चीज़ है, तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उनको समाज से अलग रखें। ओके, हमसे बात करने धन्यवाद। ऑफ द कैमरा एक सवाल।